राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी साय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, साप्ताहिक सत्संग, तारीख 24 मई 1981। हजूर पूर्णूर परम संत पूर्णतरी परम तत्व जगदाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। बहन फकीर का तजदे बाद विवाद, पक्षपात में जो पड़ा भ्रजयंत और आदि। राधा स्वामी, शब्द बचा जाएंगे। मैं अपनी सुनना चाहता हूँ और अपनी आत्मा को पूछना चाहता हूँ। जो कुछ इसमें दाता दाल ने मुझे हदायत की है, आया मैं उसका आमिर भी हूँ या के नहीं, इसलिए मैं सोचा इसको बदला। दाता कहते हैं, फलो क्या कहते हैं। वाना पहन फकीर का तजदे बाद विवाद, पक्षपात में जो पड़ा भ्रजयंत और आदि। आदि भ्रष्ट इतना बुरा नाही होए फकीर, अंत भ्रष्ट है अति अघम सो नहीं क्षीर न नीर। भ्राता फरमाते हैं कि अगर तू फकीर बना है तो वाद विवाद पक्ष पास हो। वाद विवाद के लिए कहते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दलीलें पेश करनी, तासब करना। आत्मा को पूछते रहता हूँ क्यों खुशी तूने किया, मुझमें भी नुकसान। अगर कोई गाता जाए तो बरखिलाफ कह देता तो मुझे गुस्सा आ जाता। अब कोई अब दया है। वो कहते हैं शुरू शुरू में तो ये हर शख्स में आदत होती है पक्षपात की, उसमें देते हैं भ्रम। अगर पिछली उम्र में भी आखिर में भी अगर पक्षपात रह गया तो खराब है। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मेरा किसी में कोई दुश्मनी नहीं, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, अपना कर्म भोगता आगे। कर्मी कर्म के जाल में भरम मरा संसार, ज्ञानी ज्ञान में उलझ कर मूल गवाया सार। अब देखो कि संत मत चिताएंगे, जो आदमी कर्म करके किसी चीज को हासिल करना चाहता है, परो कर्मी कर्म कर्मी कर्म के जाल में भरम मरा संसार, ज्ञानी ज्ञान में उलझ कर आगे तो समझ नहीं आती। मैं समझता हूँ हम जो अपना अपना रूप है मेरा, वो कर्म और ज्ञान से परे है। तो जब तक हम कर्म में फंसे हुए हैं या ज्ञान में फंसे हुए हैं, हम अपने आद घर को नहीं जा सकते। आगे बढ़ो। भक्त भक्ति जाने नहीं उलझा भव के फंद, तीनों मिल भव में फंसे व्यापा दुख सुख द्वंद्व।
वो कहते हैं भक्ति भगत में क्यों क्यों वो भवसागर से पा रही है, क्योंकि वो दूसरे की भक्ति करता है, जिसकी भक्ति करता है उसको अपने से गैर समझता है, मन से करता है। तो जब तक कर्म भी मन से करता है, ज्ञान भी विचार से करता है, तो जब तक मन के चक्कर से नहीं आदमी निकलेगा, मैं नहीं निकल सकता था, ये बाणियों में पढ़ा करता था, सुनी तो लिखी हुई है मेरे नाम, समझ नहीं आती। तो मैं इन बातों को जानना चाहता था, तो इन बातों को अमरी जिंदगी में देने के लिए दाता ने मुझे ये काम दिया था। तो जब से मुझे पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो मुझे यकीन हो गया कि मैं भी जिसको पूछता था, मैं अपने मन को ही पूछता था। मैं अगर दादा जाकर को पूछता था या राम को पूछता था, तो अपने मन को ही पूछता था, अपने मन से। तो मन के चक्कर से मैं निकला कैसे आगे। सत चित आनंद रूप की नहीं आई पहचान, भटक भटक भटके सकल शीश महल जो स्वान। कहें सत चित आनंद की किसी को सत जिस्मानी ऐसा साथ है, चित मन के सहारात है, आनंद हमारी आत्मा की खुशी है, ये तीनों ही अवस्था में हम इनमें फिरते रहते हैं। असल में वो आनंद कहाँ से निकलता, हमारे मन से। जिसने कुत्ता शीश महल में रहता हुआ अपनी शक्ल देखता है तो पहुँचता है, क्योंकि वो गैर समझता है। ऐसे ही मैं भी अपने ही मन के साथ सारी जिंदगी जूझते रहा, और तमाम संसार ऐसे करता है। जिसको इंसान पूछता है वो उसका अपना ही मन है, अपना ही मन है। परोज कहीं को सत चित आनंद रूप की नहीं आई पहचान, भटक भटक भटके सकल महल जो स्वान। पढ़ते लोग फुकी चंद को जान कहते हैं, फुकी चंद का रूप आ जाता है उसके साथ, फुकी चंद होता है तो किससे प्यार करती है, अपने आप ही भटका हुआ इंसान है। ये है संत मत जिसकी तारी मुझको दादा डाली ने दी। आगे मेरे सत्संग में सुन कुछ मेरी बात। मुझे कहते हैं मेरे सत्संग में आ, मेरी बात को सुन। क्या श्रवण मनन से काम ले गह परमारथ हाथ। अरे मेरी बात को सुन, वो कहते थे क्या करते थे, मेरी बात समझ में नहीं आती। वो बात समझाने के लिए मुझे ये गुरु बनाया था। चार दिन की जिंदगी है, मैं न गुरु हूँ न महात्मा, सच्चाई की तलाश में निकला था जिंदगी। दुनिया को जो कुछ मिलता है वो उसका अपना कर्म है। कल रात कल शाम को मुझे विश्वामित्र की तार आई, मैं बाहर जाना, वो कहता है कनाडा यूएसए यूके स्विट्जरलैंड का जितना किराया है मुझे लिखो, मैं सारा दो आदमी का भेज देता हूँ। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ तेरा क्या हक है उसका किराया लेने का, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ तेरा क्या हक है, तुम लोग मुझे देते हो, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ तेरा क्या हक है उनसे लेता। तुमको जो कुछ मिलता है वो तुम्हारे अपने ही विश्वास और श्रद्धा का फल मिलता है। विश्वामित्र चक्कर में आया हुआ था, मेरी किताबें पढ़ी, सत्संग में सुनी, जहाँ भी आया उसको शांति मिली। अब मैं आत्मा से पूछता हूँ फकीरचंद क्या तुमने उसको शांति दी, मैंने सच्चाई बयान कर दी, उसको इच्छा थी शांति की उसको शांति मिली। अब अगर मैं उससे ये पैसे तन लेके खा जाऊं तो बताओ मेरा क्या इलाज, मैं कहीं जाऊंगा। कभी तो मैं कहता हूँ गुरुओं ने आज के गुरु मत ने दुनिया को बेवकूफ बना के लूटा है,
पखंड जगाया है। दोस्तों मैं हूँ, कुदरत ने मुझे पैदा किया किसी खास मिशन के लिए। तुमको जो कुछ मिलेगा वो तुम्हारे अपने ही कर्म, तुम्हारी अपनी नीयत, तुम्हारे अपने विश्वास, तुम्हारी अपनी श्रद्धा का फल है। यह है सच्चाई। आगे बढ़ो। सत शरीर चित मन ही है आनंद सूरत का रूप, तीन अवस्था तीन की अद्भुत अगम अनूप। पहले तो नहीं समझ आती थी इन शब्दों की, अब मुझे समझ आ गई। वो कहते हैं हमारी तीन हालतें हैं, एक जिस्मानी एहसास, एक मन के ख्यालात, एक आनंद के ख्यालात। आगे कर्म देह से होता है मन से ज्ञान विचार, सूरत आनंद का सार है लखो भव से पार। कहते हैं जिसम से काम होता है, मन से विचार होता है, फिर उससे आनंद मिलता है। ऐसा समझ के इसके इससे पार हो, यानी इसके चक्कर में ना फंस, यही है ना इसका मतलब। पढ़ो। कर्म देह से होता है मन से ज्ञान विचार, सूरत आनंद का सार है लखो भव से पार। ये तीनों जो है ये फल है, हमारी जिंदगी है। कभी इसको समझ के इसके पार हो जाए कीर्तन, तो इससे पार हुआ नहीं जाता ना। बस क्योंकि जब से मुझे ये यकीन हो गया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तब से मुझे यकीन होया कि ये वाणी सत्य है। पहले मैं भी फंसा हुआ था। आगे वेद धर्म है कर्म का ज्ञान धर्म वेदांत, आनंद धर्म है सूरत का समझ हृदय हो शांत। आगे प्रथम कर्म की साख है दूजे ज्ञान की साख, तीजे आनंद रूप है चित उपदेश मेराख। आगे कर्म स्थूल है साधवा ज्ञान सूक्ष्म व्यवहार, आनंद कारण मात्र है ये सिद्धांत विचार। ये हमारी जिंदगी है, जिस्मानियत, हम इसमें रहते हैं और इसमें फंसे रहते हैं। जब से इसमें निकलेंगे नहीं, ये आवागमन का चक्र मरना जमना खत्म नहीं होगा। आगे नीचे सब कर्मी रहे ज्ञानी अधर समाए, आनंद जिनको मिल गया सो भव दुख नान साए, त्रिगुण जगत की ये दशा तीन तीन का भेद, सत चित आनंद परख ले मेट भरम का भेद। कार्य बने अज्ञान से ज्ञान से बने विचार, आनंद बने सुसुरत से गुरु मत सार सुधार,
ज्ञान बीच की कड़ी है वह नहीं इष्ट फकीर। समझ समझ मन आपने चित कर धीर गंभीर। त्रिपुटी गम कर्म में सो अनेक का रूप। अंधकार अज्ञान सोई डाले भव के कूप। ज्ञान द्वैत का पक्ष है और नहीं कोई द्वैत। मन ही में दुविधा बसे नहीं वह पद अद्वैत। सुरत निरत में एकता एक भाव आनंद। सुरत शब्द के योग से कटे मोह का फंद। दुनिया ने शब्द योग को ये समझा हुआ कि शब्द योग जो करता उसको पुत्र मिल जाती है, उसको दौलत मिल जाती है, उसके काम हो जाते हैं। ये सब बकवास। सूर्य शब्द योग से इंसान का जो पब है यानी मन की जिंदगी एक तैनात है, इसको शांति मिलती है और कोई मतलब नहीं। बाकी तुम लोगों को मेरे पास कितने आदमी है, कोई कहता पुत्र नहीं है, कोई कहता बेटी। कौन गुरु किसी को पुत्र देता है? ये सब तुम्हारे अपने ही कर्म, अपने ही विश्वास, अपनी श्रद्धा का फल मिलता है। मैं तो हैरान हो गया हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहता। लोग अपने विश्वास से मेरे पास आते हैं, उनके काम हो जाते हैं। और मेरे बाप को पता ही नहीं होता। कई आदमी आते हैं, बाबा जी हम आते हैं, दिल में तारना कर लेते हैं, आपसे कहते नहीं, हमारा काम हो जाता है। अब मैं पूछूंगी तू करता है बेईमान के बच्चे तू करता है? मुझे नहीं पता होता। उनका अपना ही विश्वास है, विश्वास है। तुम लोग आते हो, मैंने अब चले जाना है, चले चला होकर समय। आई वॉन्ट टू रिमेन ट्रू टू माई कॉन्शियस। मैंने सारी जिंदगी बिल्कुल अपने आप को साफ रखा, मगर नहीं, मेरे जिम्मे ड्यूटी थी, मैंने उसको पूरा कर दिया। जब तो जिंदगी पूरा करता रहूंगा। दाता ने कहा तारीम बदल जाना, आगे पढ़ो। वेद मार्गी त्रिपुटी पद वेदांति सोई द्वैत। भगत उपासक प्रेम रत लहे सुगमय द्वैत। तीनों तीनों में फंसे रहे भ्रम की कान। त्रिगुण जगत के जाल में भोगे योनि निदान। जब तक कोई इंसान सच्चित आनंद जिस्मानी मानसिक और आत्मिक एहसास से नहीं निकलता, उसका आवागमन कभी खत्म होगा ही नहीं। ये और बात है कि अच्छे से अच्छे जन्म जाए जाए, मगर वह जन्म से मरता रहेगा। आगे योगी भोगी चतुर नर या भगवन नकार। कभी जन्मे और कभी मरे सजा द्वंद का ठाट। जैसे योगी हो चतुर नर हो बहुत है, ये कभी भी इस जगह से नहीं आ जाते। और अगर मैं सारी जिंदगी दादा दाद को पूछता रहता, दादा दाद को ही सारी जिंदगी महाराज जी को अपने सामने उन्हीं को पूछता रहता, तो मैं कैसे निकलता? जो शख्स गुरु को अपने से गैर समझता रहता है और उसी के चांगे समझता मैं ध्यान अपने किसी गुरु का कर रहा हूँ, वो बेशक मर जाए वो भी उसकी चुरासी भी नहीं छूटती। क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है अपने मन से कह रहा, मन समिति माई मेरे पास आई है तू इंदौर से,
मेरे सिर पर भी कोई जिम्मेवारी है सच्चाई को, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। सच्चाई को अगर सारी जिंदगी फकीरचंद के साथ बनी रहेगी, जब मरेगा मरेगी फकीरचंद तेरे सामने आएगा, तू आवागमन नहीं, जन्म लेना पड़ेगा तुमको। हाँ, गुरु फकीरचंद का नाम नहीं है माता, मैं तू करोड़पति जीती है, मैं तुमको लूटना नहीं चाहता। चार दिन की जिंदगी है, सिंचाई बहन कर जाता हूँ। ये माया इंदौर वहां की कहाँ की वो आया करती है, क्या आई है कि नहीं? बहादुरपुर। कौन? बहादुरपुर से। बहादुरपुर वो है पगड़ी, मैंने ना लाया, मेरा बाप ले जा सकता, जो तुम्हें जाना तुम्हें अपने अमल ना जाना है, मेरा काम तो हम उड़ा दसना है, जाओ या ना जाओ मुझे क्या मतलब, आगे बढ़ो। नहीं ये अगुण न सगुण है, निराकार साकार, इनके मार्ग ना चले, हो फकीर होशियार। ये सब चित मार्ग दे अगुण नगुण सगुण दे दे सिराना से इंद्रा होश ना चल फकीर जन जो तुम बात है कहाँ खोल सुनना पे ना सुनना पे ना। हाँ फिर पढ़ो कही को। नहीं ये अगुण ना सगुण है, निराकार साकार, इनके मार्ग ना चले, हो फकीर होशियार। नहीं समाधि में निचलता ताका होए उठान। वो कहते हैं तुम समाधि लगाओ, आठ घंटा लगाओगे, दो घंटा लगाओगे, आखिर समाधि उखड़ जाएगी, फिर कहाँ जाओगे आगे। सृष्टि स्थिति प्रलय में आवागमन पसान, जब तक सृष्टि की उत्पत्ति अपने मन के चक्कर है तब तक आवागमन नहीं छूटता आगे। युक्ति अनुपम गुरु की, समझ समझ चित धार, सत संगत कर साधकी, सहज में जा भव पार। साधु संगत कर किसी गया खुद तीसरे पद को ऊंचा गया हुआ है आगे। संत मतायूचा बहुत, समझ तो उपजे चैन, संस्कार ले गुरु से, सुन सुन बैन के सैन। कहने सत्संग में जाकर जो संत बात कहता है उसकी बात के अचार्य को समझो आगे। ये करनी का भेद है, तज कथनी की बाण, करनी कर करनी रहे, सोई साध सुजान। वो करनी क्या है मैं अपनी आत्मा से पूछ लू, पहले तो मैं वो करनी ये है, सब कुछ छोड़ के अपने आप को अपने ही आप में छाया लेना, ये करनी। मगर ये कौन कर सकते हैं जिसको दुनिया की ख्वाहिशात नहीं, जिसको दुनिया वो मतलब भैया। अब मेरा साधन जो है ना कुछ नहीं, कहूँ जी सुन सब खत्म हो गए, बस अपने आप को अपने आप में चाहता हूँ, अपनी बात में आगे। तीन अवस्था त्याग कर, चौथा पद चित लाभ। वो चौथा पद क्या है? वो चीज मेरे अंदर मेरा थी प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है, वो चीज है चौथा पद, वो मेरा अपनी ही जात है, मेरा अपना ही आप, तो अपने आप में खैर है आगे।
वही संत मत सार है, वही मुक्ति का दाव। आगे सहस कमल दल बास कर गह त्रिकुटी ओंकार, शून्य समाधि रचाए ले गुफा से हो जा पार। सत पद आसन मार कर अलख अगम की दौड़, तब राधा स्वामी धाम में छूटे मन की चौड़। छूटे मन की चौड़ ऐसी धाम क्या हुआ, तो अपने ही जात में आप इस तत्व में तत्व में हो जाए बस, और कुछ आगे। शब्द योग को साध कर कर कुछ दिन सत्संग, त्याग जगत के रंग को धार गुरु का रंग। जगत का रंग या पॉलिसी, हम जितने आदमी है ना पॉलिसी करते हैं ना, अंतर कुछ है बाहर कुछ है, तो जो फकीर हो जाता है वो पास नहीं करता, उसका अंतर बाहर एक हो जाता। आगे बस और तो सामने क्या टाइम क्या हुआ, 8:35 इनको अपने आत्मा की तरफ ले जाते। उपदेश बताऊंगा तुम मेरे पास फकीरा, मैं उपदेश बताऊंगा तुम मेरे पास फकीरा, ये उपासना तत्व है भाई सतमत गहर गंभीरा। गुरु के पास बैठना ही संतमत है, क्यों पर? गुरु ने मुझे चेताया जही विधि वही वेद बतलाऊं, मैं नहीं अटका पोथी पत्रा तुझे कैसे अटकाऊं, नहीं उपदेश और है कोई ये उपासना जानो, उप है निकट तो देश स्थाना ये उपदेश पहचानो। दुनिया उपदेश ये समझिए बातें करना, उप के में देश में जो अपना देश है उसके नजदीक बैठ जाना उपदेश है, बातें करना नहीं। आगे ये ही तत्व है वही सार है ये गुरु ज्ञान बिचारा, एक शब्द में भेद बता कर मैं तू भ्रम विकारा, सति का संग करे जो कोई सत की लीला धारे, गुरु है जग में सत की मूरत अगमया था हाया पारे, और नहीं कोई सत है जग में समझ विचार फकीरा, साथी के संग मार ले आसन मेट द्वंद की पीरा।
मुझे ध्वन की पीड़ा की, मैं दाता से प्रेम करता था ना, दोपना था ना, वो कहते सत के आश्रम मार, सत पर क्या निकला, मेरा अपना प्रकाश और शब्द स्वरूप है ये सत, अपने आप को उसमें ठहराना ही उपासना है। बाहर के गुरु अगर इस अमल में है तो उसकी संगत से रिलीजन से तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। आगे है बस आरती कर दो। राधा स्वामी दयाल की जय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, साप्ताहिक सत्संग, तारीख 31 मई 1981। हजूर पूर्ण परम संत पूर्णतनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। सच्चा है मुझे सच्चाई, बख्श बख्श सतगुरु प्यारे, तू प्रकाश है तेरी दया से, प्रगटे घट रवि शशि तारे, तू दाता है दान दे मुझको, नाम रतन धन का स्वामी, मेरे मन में आके समा जा, जो तू है अंतर्यामी, है ज्ञान ज्ञान दे मुझको, मिटती मरे अज्ञान मेरा, तेरे रूप का दर्शन पाऊं, छिन प्रति छिन रहे ज्ञान तेरा, तू सत है अपनी सता दे, जीवन मेरा सुधर जावे, तू चित है निच चल कर चित को, निश्चित ज्ञान मुझे भावे, सत चित आनंद रूप है तू, दे आनंद मुझे सतगुरु, नाम रूप के तेरे सहारे, जीत जी जाऊं सतपुर, राधा स्वामी परम पुरुष कर तारा, तू दुखियों का सहारा है, दुख दरिद्र को मेट दे मेरे, दुखदाई संसारा है, चरण शरण की ओट गाऊं मैं, आनंद मंगल साज सजूं, राधा स्वामी राधा स्वामी, हित से मैं सिमरूं, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, नित बजूं, तू सच्चा है मुझे सच्चाई, बख्श बख्श सतगुरु प्यारे, तू प्रकाश है तेरी दया से,
जगत घट रवि शशि तारे। गुरु कहे जगत सब आना विधि जाल बिझावे शबदा रस लेन ना पावे यो जीव सदा दुख पावे गुरु मेहर करे जिस जान पर सो बच शबद धुन सुन कर तब गए शबद रस जाची फिर जले ना जग की आँची सब बात लगी अब काजी गुरु भक्ति मिली अब सांची राधा स्वामी की लीनी सरनी सो जीव लगे भोतरनी बस राधा स्वामी ये वाणी आपने सुनी पहले भी सुनी इन वाणियों ने मेरे दिमाग को चक्कर दिया हुआ था। मैं देखना चाहता था कि ये राधा स्वामी मत या संतों के मार्ग में शब्द योग की महिमा है और गुरु भक्ति की महिमा है इसमें असलियत क्या है इसमें राज क्या है। तो मेरा जीवन सारा इसी खपत में गुजरेगा। मैंने चूंकि प्रण किया था अपने जीवन का अनुभव किया जाऊंगा और वो प्रण इसलिए किया था कि जब मैं पंथ में आया था तो इनकी बाणियां सुन सुन के इन्होंने सबका खंडन किया हुआ था। रामकृष्ण के काल के अवतार वेदांत भी काल मत में सूफीज्म भी काल मत में मुसलमान ईसाई यहूदी सब नहीं पहुंचे। तो उस वक्त मैंने ये प्रण किया था कि इस रस्ते सच्चा को चलूंगा जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं दुनिया को बता जाऊंगा। दूसरे दाता जा के चरण में गया था उन्होंने मेरे समय ये झूठी लगाई थी। मैं अपना कर्म भोगता हूँ किसी पर मेरा कोई एहसान नहीं। आप लोगों का एहसान मानता हूँ तो क्योंकि मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा मेरे कर्म काटने के लिए आप लोग आ जाते हैं। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ क्यों मुकेशन सुने क्या मेरा जब योग आया शब्द योग फायदा कर सकता कि नहीं कर सकता। मैं सारी जिंदगी इस मन के साथ जूझता रहा कभी इस मन ने मुझे कहीं फिराया कहीं राम की भक्ति कराई कहीं दादा जा की प्रेम कराया कहीं गिराया कहीं कुछ किया कहीं कुछ किया कहीं कुछ किया और अब भी अगर मैं अपने अंतर शब्द को नहीं पकड़ता अब भी अगर मैं अपने मन के अंदर आप शब्द को नहीं पकड़ता तो मेरे मन के अंदर तरह तरह के ख्याल पैदा होते रहते हैं कभी अच्छे कभी बुरे। अगर तुम सोचो तुम्हारे अंदर भी होते हैं मेरे बैठते हो ना मन कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है।
तो शब्द योग से कब मुझे फायदा हुआ? जब मुझको ये यकीन हो गया कि जो कुछ मेरे मन के अंदर फुरना फुरती है, शक्लें बनती हैं सुपने में या अभ्यास में या जागृत में, ये दरअसल है नहीं, ये सजेशन एंड इम्प्रेशन है जो हमारे दिमाग पर पड़े हुए हैं। आज रात को भी मैं यही देखा, मैं जो कहता हूँ अपने अमली जिंदगी कहता हूँ, सुपने में चला गया, शब्द में चला गया, आराम है, जब नींद आ गई तो फिर सुपना आ गया, रेलगाड़ी। रात को मैं आपको बताता हूँ, रात को शब्द सुना, प्रकाश देखा, फिर नींद जब आई तो गाड़ियां आ गई, तीन गाड़ियां, तीन लाइन, जैसे जैसे स्टेशन पर मैं काम करता था, एक इंजन बड़ा फाड़ा, वो आगे गिर गया जाके, फिर होश आई, मैंने कहा हो सपना। अब चूंकि मुझको ये यकीन हो गया है कि जो कुछ मेरे अंदर फुरता है कि जो कुछ मेरे मन के अंदर फुरना फुरती है वो उसको सब समझता है, तो उसको शब्द योग से कोई फायदा नहीं, एक आनंद मिलेगा, मन के चक्कर से नहीं निकल सकता। यही एक राज है जिस बात के सहारे पर स्वामी जी ने या कबीर साहब ने तमाम मजहबों का खंडन किया, उसी का खंडन किया। मगर आम दुनिया तो इस लाइन पर चलने की जरूरत नहीं, आप लोग आते हैं, आपको सब योग क्या कहेगा, आपको जो दुनिया चाहिए, आप जो दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, पुत्र नहीं है, जायदाद नहीं है, मकान नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, इस वास्ते ये संत मत आम दुनिया के लिए नहीं, बिल्कुल गलत। हम गुरुओं ने तुम लोगों को खाम खा नाम दिया है, आप लोगों को फायदा नहीं, आप तो दुनिया चाहते हैं, आपको दुनिया की जरूरतें हैं, आशाएं, ये उनके लिए है जिनको ये तजर्बा हो गया है कि दुनिया में सुख नहीं है, और वाकई है नहीं। कोई भी आदमी बताओ छाती पर हाथ रखे जो हमेशा सुखी रह सकता है, तो आज शब्द पढ़ा था, पहला शब्द पढ़ो, तू सच्चा बहुत सच्चाई, मैंने सच्चाई क्या समझी, सच्चा है मुझे सच्चाई, बख्श बख्श सतगुरु प्यारे। मुझे सच्चाई क्या मिली, ये शब्द 1921 का है, जब मैं आरती करने गया था, जिसकी फोटो रही हुई है, जहाँ ये मेरी जज्बात का शब्द है, ये मैंने प्रार्थना की थी वहां, तो आज मैं कहता हूँ क्यों भाई सुधीर से तुम्हें सच्चाई क्या मिली, या मैं अपने आत्मा से पूछेंगे क्या नहीं, मैं तुम लोगों को अपने जाल में फंसाना नहीं चाहता, ना जो तुम लोगों को धोखा देना चाहता हूँ, कर्म भोगता हूँ अपना, मैं अपनी आत्मा से क्यों फुकी थे तुम्हें कैसे चाहिए, मुझे ये सच्चाई मिली, मैं उस मारे को सुनना नहीं कहता, मेरा आराम कहा। इस पंथ में आने से मुझे राम का पता लग गया कि राम है क्या, जिस राम को मैं अपने मन से पूछता था वो तो राम नहीं था, वो तो मेरा अपना मन बनाया हुआ था, मैं राम को, राम की मूर्ति को अपने अंदर बना के उसको पूछता था, वो जो राम मेरे सामने आता था वो राम कौन था, वो बाहर का राम आता था, मेरा अपने मन ने ही राम बनाया हुआ था ना, तो मैं किसको पूछता था, अपने मन को पूछता था, फिर मैं दादा के रूप को अपने अंदर बनाता था, मैं समझता था ये गुरु महाराज मेरे अंतर आते हैं, मैं किसको पूछता था, अपने आप को पूछता था। ये ज्ञान मुझे कब हुआ, तुम लोगों से,
जो लोग मेरा रूप ध्यान करते हैं, मेरा रूप उनके अंदर प्रकट, उनके काम कर जाता, मैं तो होता नहीं, मुझे तो पता नहीं होता, तो वो जो उनके काम करने वाला है वो कौन है? वो उनका अपना ही मन है ना, दूसरा तो कोई नहीं। तो ये मुझे सिंचाई मिली पर कहीं कहीं सच्चा है मुझे सच्चाई बख्श बख्श सतगुरु प्यारे। अब इस सिंचाई से मुझे फायदा क्या पहुंचा? इस सिंचाई से मुझे फायदा क्या पहुंचा कि मैं बाहर नहीं दौड़ता, बाहर मुखी नहीं हो गया, उस मालिक की तलाश करने के लिए किसी दूसरी की बाहर नहीं देखता, अपने अंदर चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? जो शक्लें मेरे सामने बनती उनको छोड़ता हूँ, फिर उसके ऊपर जाता हूँ। जब राम के मिलने का वक्त आता है तो न मैं होता हूँ न तू होता है, एक हाथ से आ जाती हूँ। यही कहा है पहले जो स्वामी जी का शब्द पढ़ा था, क्या पढ़ा तुमने? गुरु कहे जब सब अंधा, कोई गहे ना घट की संधा, बाहर मुख भर में सारे, अंतर मुख शब्द ना धारे। ये स्वामी जी की बात है, तमाम दुनिया बाहर मुखी हुई है, हम गैर को पूछते हैं, तुम मन से भगी जान को पूछो, मन से राम को पूछो, किसको पूछो? कोई राम आता है बाहर से, ना कोई कृष्ण आता है बाहर से, तुम अपने मन को ही पूछते हो। तो तमाम संसार मन मत है, गुरु मत कोई भी नहीं। गुरु मत कौन है जो मन के तबके को छोड़कर अपनी रात में आप ठहरता है? उसका नाम है गुरुमुख। लोग गुरुमुख उनको कहते हैं जो गुरुओं के जैसी शक्ल बना लेते हैं, गुरुओं जैसे जूते पहनते हैं, गुरुओं जैसे पगड़ी पहनते हैं, गुरु जैसे शक्लें बनाते हैं, या गुरु को धन दे देते हैं या पैसा दे देते हैं, उनकी वो गुरुमुख है, वो बस वो गुरुमुख नहीं है, वो सब मनमुख है। ये है सच्चाई। पढ़ो पहली कही को, तू सच्चा है, तू सच्चा है मुझे सच्चाई बख्श बख्श सतगुरु प्यारे। तो मुझे क्या सच्चाई मिली? ये सच्चाई मिली कि मेरे अंतर में जितने मन के ख्याल तखय्युल होते थे या होते हैं, ये सिर्फ कल्पना है मेरी, जिस किस्म के संस्कार अब मैं इनमें फंसता नहीं, अब मैं इनमें फंसता नहीं, और ना फंसने से क्या हुआ कि मैं दुखी नहीं होता। कोई मर जाए बाबा, कोई जम पे बाबा मैं नहीं, मंदिर चलता है बाबा, रुड़ जाए बाबा मेरा रहा कुछ नहीं। मुझे इस सच्चाई से ये शांति मिली। आगे तू प्रकाश है तेरी दया से प्रगट घट रवि शशि तारे। वो कहते हैं गुरु जो है ये प्रकाश रूप है, दुनिया ने गुरु के चरण समझे हुए हैं, कहने गुरु चल पैर गुरु के, मैंने गुरु के पैर धो के मैं भी मर गया सारी जिंदगी, मुझे भी लोग मथा टेक टेक के मर गए। गुरु के चरण हैं प्रकाश तुम्हारे अंतर में, यही राजा स्वामी मत की हजूर महाराज राय सागराम साहब ने अपनी वाणी में लिखा। तो जो गुरु के चरण हैं वो है प्रकाश, तो जिनको प्रकाश अपने अंदर प्रकट हो जाता है उनको गुरु के चरण मिल जाते हैं, और उस गुरु चरण के मिलने से क्या फायदा होता है? उसको शांति मिलती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखो मैं तुमको बताता हूँ, साइंस ने साबित किया है कि रोशनी में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे निकलते हैं और उनसे फिर ग्रास मैटर बन जाता है, स्थूल मादा बन जाता है, साइंस वाले बनाते हैं। गैसें दो मिला देते हैं, उसको मिला देते हैं, उसका पानी बना देते हैं। तो
जब प्रकाश में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल के वो बनाते हैं, ग्लास ला के बना लेते हैं, तो जो शख्स अपने अंदर प्रकाश का साधन करता है, जो उसकी अपनी इच्छा होगी उस दिल में रख करके प्रकाश, वो उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा? जब साइंस ने साबित किया कि प्रकाश रोशनी जो है इसमें से निकलती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और वो ग्रास मैटर को बढ़ा देते हैं। अब जो शख्स प्रकाश में साधन करता है, जो कुछ उसकी इच्छा होती है वो होनी चाहिए ग्रास मैटर। इसी वजह से जो आदमी गजत्री मंत्र का मंत्र सिद्ध कर लेता है, ओम फूल स्वाहा तक, उसमें सिद्धि शक्ति आ जाती है। इसी जमाने में आजकल तो करता कोई, पंडित तो सिर्फ ओम भूल जुबान की रट लगाना जानते हैं, राधा स्वामी सिर्फ जुबान से पांच नाम और राधा स्वामी राधा स्वामी करना जानते हैं। जो असली मतलब है वहां तो वो पहुंचते नहीं। इस वजह से अब मुझे प्रकाश हो गया, अब मैं करता नहीं, ये तो मैं प्रकाश में रहकर प्रसाद दे देता था, दावा करता था जो ऐसा हो जाएगा होता था। मैंने ये अपनी जिंदगी में तजर्बे किए हैं, ये समझे मेरा मतलब नहीं। एक तो मैं घर में बैठा हुआ था तो रामचंद चला, तो मेरी औरत ने कहा जाता है आता है नहीं सेवा करता, जाने के बाद को प्रसाद तो दे दे। मेरी औरत ने मुझे बोला, मैं क्या, अच्छा मैं बैठ गया, मैंने चीज हाथ में ली, प्रसाद प्रकाश में चला गया। मैंने कहा ले रामचंद, जिसको देगा बेड़ा पार हो जाएगा। कहता मैं छह जगह प्रसाद को आजमाया, हर जगह मुझे कामयाबी थी। ये मेरे जिंदगी के तजर्बे हैं अपने। मैं 1941 गया था, 41 का बताई मैं यहाँ, तो वहाँ एक सरदार था सेवा सिंह, वो ब्याह का सिंह था, वो आया मेरे पास, उसकी औरत बैठी और उसकी बड़ी औकात थी। मैं क्या बात क्या है भाई, आते ही अब बहुत ही बात है। कहने जी बच्चा कोई नहीं, बाल बच्चा कोई नहीं, तो एक गई थी ब्याह, तो बाबा सामने सिंह क्या मेरे बच्चे नहीं है, बाबा सामने सिंह छोटियाँ माइया मेरे को बच्चा पिया, ये मैंने कहा ये जो संतान के पास ना जाते हैं, संतान को कुछ नहीं, मैं इसमें गैर समझू, मैं कैसे सवेरे आना मेरे पास, मैं अम चुकया मथे न लाया और अपने ख्याल नाल उस आम में रोशनी का मैंने बच्चा बनाया। तजर्बा बता रहा हूं मैं, सबूत दे रहा हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रकाश के साथ नहीं, इसका मैं आपको अपना आजमाया। मैं किताबों को इल्म नहीं जानता, मैंने आजमाया है ना, तो फिर दे दिया। मैंने कहा यह ले जा, उसके लड़का हुआ, वो लड़का मेरे पास सतमा लड़का जमना, उसका नाम मैंने रखा शिव दयाल सिंह स्वामी जी के नाम के ऊपर। तो फिर वो मेरे पास आया, कहेगा महाराज, मैंने कहा कोई बात नहीं, जलिया ले आओ, मैंने जलियों को प्रसाद कर दिया, मैं कहेगा तो मैंने ये अजमाया हुआ है, अब मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इस प्रकाश में ही रहूं तो मैं आगे नहीं जा सकता। अगर मैं सिर्फ प्रकाश का ही साधन करता रहूं तो मैं आगे नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। जब मैं इस अवस्था में था तो मैंने आजमाया हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ लिखा है वे बिल्कुल सोलाने सच है। मैंने आजमाया, अगर आज मुझे मेरी आजमाइश में ये संत मन सच्चा न निकलता, मैं आपको धर्म से कहता हूँ मैं परवाह न करता, मैं राधा स्वामी दयाल की, गुरु नानक की, दादा दयाल की, सबके बर्खलाफ दयाल भूल जाता। कौन ब्राह्मण का बच्चा है महाराज जो ये सुन सकता है, राशि भी भूल गया, क्या नाम है, शिष्य भी नहीं पहुंचा, सारे के सारे रामकृष्ण काल के अवतार, मैंने ये पत्र ये वाणी साथी के ऊपर पत्थर से, और दाता से मेरा विश्वास नहीं टूटा, और मैं देखना चाहता था इस वाणी में सच्चाई है कहां तक। अब मैं आज कहता हूं बात वही है सनातन की, मगर
सनातनियों को खुद पता नहीं, राधा स्वामी को खुद पता नहीं, पर वे कई को तू प्रकाश है, तू प्रकाश है दया तेरी, तेरी दया से प्रगटे घट रवि शशि तारे, तू दाता है दान दे मुझको, नाम रतन धन का स्वामी। अब मैं पूछता हूँ क्यों भगी तुम्हें नाम है क्या? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ क्यों भगी तुम्हें नाम मिल गया? जो नाम मुझे मिला है वो मैं बता सकता हूँ। मुझे नाम ये मिला कि मैं कौन हूँ। आदमी मेरे पास आता है, हम पूछते हैं तेरा नाम तू कौन है भाई, वो कहना नहीं मैं पुराना पुराना पुराने पेड़ रहने वाला, यही है ना? नाम है क्या? ए इंसान तू क्या है? मैंने क्या समझा मैं कौन हूँ? वो अपने कर्म भोग बस करते रहता हूँ। जब से तुम लोगों से सुना कि मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ, मैं नहीं होता, तो मैं मन को छोड़ के प्रकाश और शब्द से बता रहा हूँ। प्रकाश की मैंने आपको बता दी कि मैंने अजमाया हुआ है जो इसीलिए मैं सत्संगियों को कहता हूँ कि तुम अभ्यास किया करो, साधन किया करो, बजाय इसके कि फकीर चंद के पांव को चाटते रहो, तुम साधन अभ्यास किया करो तब तुम्हारा फायदा होगा। सिर्फ मेरे पांव को चाटने से किसी गुरु के मंदिर बना देने से या लाखों रुपया देने से तुम्हारा बेड़ा रूहानी, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, ये ठीक है, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, गाड़ी दोगे गाड़ी मिलेगी, मगर परमार्थ नहीं मिलेगा, परमार्थ पैसा देने से नहीं मिलेगा, परमार्थ मिलेगा तुमको अपने अंदर प्रकाश का साधन करने से और शब्द का साधन करने से। यह सच्चाई, ये है सच्चाई। मैं जानता हूँ मेरी साहब प्यारी मंदिर को क्वारी मार दिया, अरे बाबा तुमको धोखा दे के चार पैसे मंदिर में ले जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? तो मेरा भी कोई वाली वर्ष है कि नहीं, मैं चार दिन की जिंदगी में अपना जन्म बर्बाद करके नहीं जाना चाहता। तो अब नाम रहते मुझे क्या मिला? तो जब मैं प्रकाश में जाता हूँ, प्रकाश में शब्द को देखता हूँ, उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को देखती है मेरे अंदर और शब्द को सुनती है, वो क्या है? कभी दो तीन महीने के बाद कभी जब वहां जाता हूँ तो ना मैं हूँ, चिराग बुल पकड़ी गए तो फिर मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो अपने अंदर में प्रकाश में रहता हुआ प्रकाश को देखता हूँ, शब्द को ऐसा सोचता हूँ। अच्छा, अगर भाई मैं सोचता हूँ वो बन के मैं कुछ बन गया तो मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं। फिर मैं कौन? मैंने क्या समझा? मुझे नहीं पता राज सिंह जैल ने क्या समझा, मैं नहीं जानता गुरु नानक ने क्या समझा, कबीर ने क्या समझा, मेरी उम्र गुजरेगी जो मैं समझा वो कहता हूँ। मैं कौन हूँ? अगर मैं वहां जाके कुछ बन सकता तो बना लेता। तो मुझे समझ में आई मैं चैतन्य का बुलबुल हूँ, वो एक तत्व है, क्या है क्या नहीं, उसमें हलोर होती है, बुलबुल बन जाती है, उसमें मैं आ जाती हूँ। जब मैं उसमें खत्म हो गई ना मैं न तू, एक बात बात इससे क्या होगा? मेरा अहंकार टूट गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ये नाम मुझको मिला अपनी जिंदगी में। मैं चाहता हूँ दूसरे महात्मा अगर मेरा खंडन कर जाए मुझे बड़ी पारी खुशी होगी, कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने ये समझा। आगे तू दाता है दान दे मुझको, नाम रतन धन का स्वामी, मेरे मन में आके समा जा, जो तू है अंतर जामी। अब मेरे मन में क्या है? मेरा तो अब मन ही नहीं रहा, अब क्या कहूँ मेरे मन में? जब तक मन था तो उसमें ये विश्वास था कि मेरा गुरु है, मेरा भाई है, मेरा फलाना है। जब मन ही नहीं रहा तो किसको मानूं? ये मेरी अवस्था ऊंची है। आगे तू ज्ञान ज्ञान दे मुझको,
सती मरया ज्ञान मेरा। अब तुम्हें अज्ञान मेरा मिट गया, मेरा तुम्हें अज्ञान मिट गया। ऐसे संयोग जिन्होंने मुझे गुरु माना, मेरे सिंह को खुश पड़े, मैं आप लोगों को अपने सब मान। मेरे जीवन की जितना तलाश थी, तुम लोग तो गुरु के पास भिखारी बन के जाते हो, मैं दाता बन के जाया करता था। तुम लोग मांगते हो, मैं देने के लिए जाता था। मैं देखना चाहता था कि वो है ना स्वामियों का, ये संतों का रब कितने के है, क्योंकि इसका मुझे पता आप लोगों की वजह से मिला। दया दाता दया दी है क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे ये मिला। इस वास्ते मैं टाइम से कहता हूँ, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। कृषक साहब, कृषक, उसने मुझको लिखा, बाबा जी मैं एक साधु से नाम लिया था, बना कुछ नहीं, आप मुझे नाम दे दो। मैंने उसको कहा भी मैं नाम सामने देता, जहाँ से मर्जी है नाम ले लो। मैंने राधा स्वामी नाम दाता से लिया था, गुरु गुरु का ध्यान किया था, मेरी किताबें पढ़ते रहना। उसने मेरे खत को नाम समझा और मेरा ध्यान करने बैठ गया। 3-4 साल के अंदर सारे दरिये वो पास कर गया। अब वो मेरे पास आया, उचार को डायरी बताई, वहाँ लिखा हुआ प्राण दिन सुबह आया, मैं उसके अंदर प्रकट हुआ, मैं उसको वहाँ ले गया, मैं उसको वहाँ ले गया, मैं उसको वहाँ ले गया। मेरी आँख खुली, मैं तो गया नहीं, मैं तो गया नहीं, कौन होगी इसके अंदर जा रहा था। मैंने महाराज 5 पैसे नारी उसकी गोद में उसके पाँव पर मत्था दे दिया। मैंने कहा भाई गुरु बन जाए, नाम दान दिया कर, बाकी सत्संगों को लूटना नहीं तुमने, तुमको आगे ज्ञान हो जाएगा। तो मुझको किसी से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, मैं सच्चा आदमी था। तो इस ज्ञान ने मुझको करा, और किसी की मैंने जहाँ सेवा की, यहाँ आया 10 महीने रहा, 80 रुपये महीना मैं देता रहा अपने पास से उसकी खुराक के लिए, अपने पास से मंदिर से नहीं, 60 रुपये मंदिर के लिए ना कोई देता रहा। मैंने जो कुछ हासिल किया, दया दाता दया की है आप लोगों ने हासिल किया, और मेरी आंख खुल गई, वहम चले गए। अब मेरे लिए इतनी मुसीबत है कि आया मैं बाधे वक्त लाख कोशिश करता हूँ, शरीर की कमजोरी है ये ऊपर नहीं जाने देती, मेरा पता नहीं क्या अंजाम हो मुझे पता नहीं, मगर मैं संत मत को समझ गया। आगे तू है ज्ञान, ज्ञान दे मुझको, मिट गया ना मेरा कि मेरा ज्ञान, किसने मिटाया? दाता की दया से। इसलिए मैं आप लोगों को अपना सदगुरु मानता हूँ। इस उम्र में सत्संगी जितने मेरे पास आते हैं, मैं सच्चे दिल से अपने दिल से आपको गुरु मान के नमस्कार। आशीष शर्मा हुआ, दयाल दास हुआ, जो ये कहते हैं कुमार पर वाली माई हुई जो कहती है मेरे रूप ने उनके साथ ये कह दिया, और मैं तो था नहीं, तो मुझे ज्ञान देने वाला कौन हुआ? आपकी वजह से दया तो दाता दया की, अगर वो काम ना देते तो मैं कैसे होता? इसलिए मेरा अज्ञान ऐसे मिला। आगे तेरे रूप का दर्शन पाऊं, चिन्ह प्रति चिन्ह रहे ध्यान तेरा। अब वो जो तेरा वो कौन था? अब वो मेरा ही रूप था। अब मैं जिसके दर्शन करता हूँ मेरा अपना ही आप है वो। गुरु और मैं दो नहीं थे, परम था, मैं बार पढ़ता फिरता था। आगे तू सत है अपनी सता दे, जीवन मेरा सुधर जावे। सुधर गया मेरा जीवन, सुधर गया है नहीं, मुझे सत्यता यही सच्चाई मिल गई। आगे तू चित है निश चल कर चित को, निश चित ज्ञान मुझे भावे। चित क्यों नहीं होता? तुम अभ्यास कर दो, शायद
होते हैं, जिस वक्त चित फिर हो जाता है सब कुछ मिल जाता है। इस चित को फिर करना हर एक आदमी के बस में नहीं है। चित वो फिर कर सकता है पहले जिसका मानसिक और शरीर ब्रह्मचर्य हो, ये बता देता हूँ आप लोगों को। दुनिया सब बकवास करती है, जो विषयी आदमी है उसका मन फिर नहीं रह सकता। मेरा नहीं रहा, मैं 1905 में नाम लिया, सिवाय रोने पीटने कुछ नहीं, क्योंकि मैं मेरी शादी हो गई थी छोटी उम्र की, मैं विषयी था। 12 साल बसे बगदाद रहा, वहां मेरा मन स्थिर हो गया, क्योंकि और कोई काम नहीं था, खाना अच्छा मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे, चिंता कभी कोई नहीं किया। या पक्की थी यदि सरकार की नौकरी थी, उस वक्त मेरा मन थे, उस वक्त की फोटो मेरी वोटिंग नहीं हुई। तो जब तक कोई आदमी विषय प्रकार का जीवन है वो ये कहे कि मेरा मन फेर हो जाएगा, लाख से पढ़ के मर जाओ, मन फेर होता ही नहीं है। कामी कब होना गुरु भजे, ये बात सच्ची है। इसी बात से मैंने कहा मान से को श्री ब्रह्मचर्य रखो। बस आप बड़े बड़े आदमी याद कर तो देख लो तुम्हारा मन ठहरता है। मुझे तब कहो ना पहले अपने अपनी अपनी गिरेबान में मुंह डालो। आगे सत चित आनंद रूप है तू दे आनंद मुझे सतगुरु। हाँ। नाम रूप के तेरे सहारे अब मैं अपनी आत्मा सुखीर चंद ऋषियों को मरेगा, दुनिया को चौका देगा। तू सतपुर जाता है सुखीर चंद, मैं सच्चाई पसंद इंसान, मेरी समझ में सतयोग क्या आया। जब मैं मन को छोड़ जाता हूँ तो आगे है केवल प्रकाश और शब्द। वो जो प्रकाश और शब्द का मंडल है मैं उसे सतपुर समझता हूँ। अगर संतों का कोई सतलोक और है, राधा स्वामियों का सतलोक कोई और है, कबीर का कोई सतलोक और है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता न मुझे। मैं सारा जीवन इन अभ्यास के लिए मर गया। 12-12 घंटे मैंने रात को बैठ के दिन को अभ्यास किया, प्रण किया था अपना में कह रहा हूँ। अब शब्द में आया क्या मैं जीते जी सतपुर चला गया। मैं जो सतपुर कहता हूँ वो ये है कि जब से मन छोड़ जाता हूँ आज एक प्रकाश और शब्द है उसका मंडल है। जिंदगी में मैंने चार दफा शायद एक महान देखा प्रकाश और शब्द जिसका अंत ही नहीं मिला, हर वक्त मेरे पास मगर प्रकाश शब्द रहता है। मैं उस अवस्था को सतपथ कहता हूँ। हो सकता है सतपथ कोई संतों का और हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। आगे नाम रूप के तेरे सहारे जीते जी जाऊं सतपुर। नाम रूप का था क्या, वर्णात्मक नाम मिला था, रूप का ध्यान मिला था, वो करते 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 मैं वहाँ पर चला गया। आगे राधा स्वामी परम पुरुष कर तारा तू दुखियों का सहारा है। अब देखो दुनिया ये समझती है राधा स्वामी परम पुरुष, क्या फकीर ने सब दुखियों का सहारा हो सकता है, या स्वामी शिव दयाल सिंह हो सकता है, या बाबा नानक हो सकता है, या बाबा सामर सिंह हो सकता है। वो दुखियों का सहारा है वो जात, जो शब्द है प्रकाश का सहारा, जिस जहां से प्रकाश और शब्द निकलता वो है दुखियों का सहारा। कोई आदमी उसका सहारा पकड़े किसी रूप के द्वारा उसको याद करता है, उस मालिक को उसके काम वाले उसको सहारा मिल जाता है।
ये नहीं कि कोई ये तजर्बा मुझे कैसे हुआ। लो मुसीबत के वक्त में परसों भी एक आदमी मुझे कहा था, एक बम्बे के एक उसका बच्चा मर गया, तू बड़ी पक्षी थी, तू मेरी फोटो वहां रख करके कुंडा मार के चली गई, अब पे बाबा राजी करूंगा। 6 घंटे बाद आई, लड़का जिंदा था। अब मैदान उन तीनों से मुझे क्या साबित हुआ, लोग मेरे रूप में उस मालिक को मानते हैं, तो जब वो ध्यान करते हैं या मुझे पूर्ण मानते हैं तो उनका जो ध्यान है, मैं तो जाता नहीं, उनका अपना ही विश्वास जो है वो उनको काम करता है। तो विश्वास किसका है, उस मालिक का। उसको किसी रूप में पूजो। राम के रूप में पूजो, कृष्ण के रूप में पूजो, देवी के रूप में पूजो, तुम मांगो वो देता है, ये है सच्चाई। तुम्हारी जज्बा है वो देता है, तुम ये समझते हो।